छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी वारदात सामने आई है। महिला की अर्धनग्न लाश खेत में पड़ी मिली, शव बुरी तरह डैमेज, अब तक नहीं हो पाई पहचान। शरीर पर लाल सफेद साड़ी। बलौदा बाजार जिले के करही बाजार में अज्ञात महिला का अर्धनग्न शव खेत में पड़ा हुआ मिला है। मृत महिला की पहचान नहीं हो पाई है। लाश 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसके कारण चेहरा काला पड़ गया है, इसलिए उसकी शिनाख्ती में दिक्कतें आ रही हैं। मामला करही बाजार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को ग्राम करही बाजार इलाके में सड़क से लगे खेत में पेड़ के नीचे पड़ी महिला की अर्धनग्न लाश पर लोगों की नजर पड़ी। लाश बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो सकी है। महिला ने काली ब्लाउज और सफेद लाल साड़ी पहनी हुई है। लाश बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिससे लग रहा है कि वो 2 दिन से ज्यादा पुरानी है। पुलिस ने बताया कि शव का चेहरा भी काला पड़ गया है और उसमें कीड़े भी लग गए हैं। लाश को फिलहाल बलौदा बाजार अस्पताल लाया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम के लिए उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर भेजा जाएगा। पुलिस ने कहा कि जिस तरह से अर्धनग्न लाश मिली है, उससे ये भी आशंका है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया होगा। हालांकि पुलिस ने कहा कि इसकी पुष्टि भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। पुलिस ने कहा कि महिला की उम्र 45 से 50 साल के बीच होने का अनुमान है। महिला की मौत कैसे हुई, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद चल सकेगा। पुलिस ने आसपास के विभिन्न थानों में महिला के शव की फोटो भेज दी है, साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया है। आसपास के गांवों में भी पता लगाया जा रहा है कि कोई महिला लापता तो नहीं है। पुलिस हर संभव तरीके से महिला की शिनाख्त की कोशिश कर रही है।